हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए भटूरे की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपका भटूरा फूला फूला नहीं बनता है तो आप ये तरीका ट्राई कर सकते हैं। और ये इंस्टेंट भटूरे की रेसिपी है, इसकी तैयारी आपको पहले से करके नहीं रखनी पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल में 2.5 कप मैदा ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल। इन सारी चीजों को हम आपस में मिक्स कर देंगे। सब मिक्स करने के बाद अब हम इसका डो बनाएंगे सोडा वाटर के साथ, जो मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है और बहुत सस्ते में मिल जाता है। 1/2 लीटर का बॉटल आपको सिर्फ 15 रुपए में मिल जाएगा। तो हम पानी का यूज नहीं करने वाले हैं, अब हम सोडा वाटर से ही इसका डो तैयार करेंगे। और बहुत सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है, पानी का यूज नहीं करना है, सोडा वाटर से ही हम इसे डो तैयार करेंगे। जरूरत के हिसाब से यूज करते जाएंगे। पानी की जगह हमें सोडा वाटर का ही यूज करके इसका सॉफ्ट सा डो बनाए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि इसका डो अब हमारा तैयार हो गया है। इसे हम 5 मिनट अच्छे से मैश कर लेंगे। इसका डो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब मैंने इसे 5 मिनट मैश कर लिया और आप देख सकते हैं ये डो बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम गीले कपड़े से इसे ढक देंगे और आधे घंटे के लिए इसे साइड रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, तो इसे हम फिर से मैश कर लेंगे। तो अब चलिए हम भटूरा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने बड़े साइज का कढ़ाई लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो कढ़ाई में बनाना चाहते हैं वो ले लें। और अब हम इसमें डालेंगे सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल थोड़ा आपको ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि इसे हम डीप फ्राई करने वाले हैं। और अब हम इसे गर्म होने देंगे। हमें गर्म भी उतना ही करना है जितना कि हम पूरी के लिए तेल को गर्म करते हैं। अब हम इसे बेलेंगे। बेलने के लिए मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि इसकी साइज भटूरे की पूरी से बड़ी होती है तो वो आप बेल नहीं पाएंगे रोटी बेलने वाले में, इसीलिए हम इसे काउंटर टॉप पे बेलेंगे। इसके लिए मैंने सनफ्लावर ऑयल से अच्छे से ग्रीसिंग कर दिया है ताकि हम इसे अच्छे से उठा भी पाए। आपको इसे थोड़ा बड़ा बेलना है और थोड़ा सा आपको मोटा बेलना है। आप देख सकते हैं बड़े साइज का है। आप जितना घिचेंगे, ये मैदे से बनी है, उतना ही ये लंबा होता जाएगा। और आपको थोड़ा मोटा बेलना है। तेल हमारा गर्म हो गया, मैंने इसे चेक कर लिया है, और तेज आंच पे ही आप इसे डालें ताकि ये पूरी की तरह तब ये फूल जाएगा। अगर आप धीमी आंच पे डालेंगे तो ये फूलेगा नहीं, इसलिए जब भी इसे तेल में आप डालें तो आप आंच को तेज कर दें। और आप देख सकते हैं मेरा भटूरा फूल चुका है, मैंने इसे पलट दिया है। आप इसे हल्का हल्का दोनों तरफ लाल कर लें। अब फ्रेंड्स, अब ये हो गया है हमारा लाल, तो हम इसे प्लेट में अब निकाल लेंगे और आप इसे छोले के साथ सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भटूरा बनाने का तरीका पसंद आया होगा। आप इसे ट्राई करने वाले अगर ट्राई करते तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें, ताकि इसी तरीके से नए इजी और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।